हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड स्टिच विद बीना। और आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया की फेवरेट ब्रेकफास्ट डिश इडली। और इसके लिए हमें चाहिए 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी धुली हुई उड़द की दाल और 1 चम्मच मेथी। इडली बनाने के लिए हमने उखड़ा चावल लिया है, आप चाहें तो डेली यूज वाले चावल ले सकते हैं। चावल और उड़द की दाल को हमने धो लिया है, 8 से 10 घंटे के लिए पानी में फुला देंगे। हमने चावल और उड़द की दाल अलग अलग पीस कर दोनों को एक साथ मिला लिया है। अब थोड़ा सा पानी मिलाकर थोड़ी देर फेंट लेंगे। याद रहे कि पेस्ट ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला हो। इसको ढककर किसी गर्म जगह में रात भर के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। रात भर रखने के बाद इडली का पेस्ट अच्छे से फूल गया है। अब हम पेस्ट हाथ से फेंट कर चेक करते हैं। पेस्ट लगातार एक धार में गिर रहा है, इसका मतलब इडली बनाने के लिए रेडी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर अच्छे से मिला लेंगे। हमने इडली मेकर में पानी डालकर गर्म होने के लिए एक तरफ रख दिया है। अब हम प्लेट में तेल लगा देंगे ताकि इडली प्लेट में चिपके नहीं। अब एक एक करके सभी खानों में थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। हर खाने में बैटर पूरा नहीं भरना है क्योंकि पकने के बाद इडली फूल जाती हैं। और सारी प्लेटों को इडली मेकर में रख कर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आंच में पकने देंगे। बीच बीच में इडलियों को चेक करते रहेंगे। अच्छी तरह पक जाने के बाद 1 चम्मच की सहायता से इडलियों को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी फ्लफी और सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हो गई हैं। हमने इडली को सर्व करने के लिए सुंदर सी बनाना शेप्ड प्लेट ली है। गर्मा गर्म सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे। सांभर और नारियल की चटनी की रेसिपी हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे।